हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बने। आज मैं बलहरका ग्राम पंचायत के मंजरा भावरपुर में मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं कि ये गांव पुलिस प्रशासन से छावनी बना हुआ है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि कुछ लोगों ने यहाँ की गहरा नदी जो एमपी से आई हुई है उसमें श्रमदान का काम किया है, क्योंकि उनको काफ़ी दिक्कतें होती थी। उस नदी में बाढ़ आ जाती थी और सफाई न होने के कारण गांव में जल भराव हो जाता था, जिससे लोगों के घर भी गिर जाते थे और दिक्कतें होती थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि खाली बैठे समय में हम श्रमदान के तहत इस नदी को साफ कर लें। कुछ दिन उनके काम करने के बाद वहाँ पे प्रधान ने आगे मनरेगा का बोर्ड लगवा दिया और ये कह दिया कि ये काम मनरेगा के तहत हो रहा है। उसको लेकर यहाँ पे जांच बैठ गई और यहाँ पे प्रशासन मौजूद है। लोगों का कहना है कि जो काम मनरेगा से हुआ है उसको मनरेगा से माना जाए, लेकिन जो काम श्रमदान से हुआ है उसको श्रमदान से माना जाए। इस बात को लेकर के जब यहाँ प्रशासन ने नहीं माना तो वो लोग मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज़ को पहुँचाने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उनको यहीं पर रोक रखा है, आगे जाने नहीं दिया। मामला ये, हम लोगों ने, बामन लोगों ने इस घरार नदी में श्रमदान किया था। उसमें हमारे गांव में पहले बाढ़ आ जाती थी, वहाँ वो हमारी नदी पट गई थी, बेश्रम लग गया था, तो उस कारण जल भराव अधिक होता था, बरसात में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। हमने सोचा, काफ़ी लोग हैं जो गुजरात, पंजाब, दिल्ली, मथुरा, कई जगह से आए हुए प्रवासी मजदूर थे, आकर के हमने विचार बनाया कि हम खाली बैठे तो क्यों ना अपना इस काम को कर लिया जाए। तो हम लोगों ने श्रमदान का प्लान किया और श्रमदान से उस घरार नदी को साफ करना शुरू कर दिया। इसके उपरांत सरकारी अधिकारी आए और देखा, उन्होंने कहा कि इसको हम मनरेगा में करवाएंगे। हमने कहा जहाँ तक हमने काम किया उसको हमें मानना पड़ेगा कि ये श्रमदान हुआ है। इस दूसरा, ये हमारा जो पानी इकट्ठा होकर के इस नदी का जाएगा तो नीचे इसके काफ़ी चेकडैम है जिससे हमारे खेतों में सिंचाई होगी। काफ़ी लोगों को बटिया पे ज़मीन भी मिली है, उससे अपना खेती करेंगे और अपने जीवन पर भरपूर करेंगे। फिर भी जब इन लोगों की हमारी बात नहीं सुनी तो सभी लोगों ने तय किया कि हम अपनी बात को मुख्यमंत्री तक बताने के लिए जाएंगे। जब ये सभी लोग तैयार हुए तो यहाँ से जाने के लिए पुलिस प्रशासन ने हम सभी को रोक लिया और गांव से आगे नहीं बढ़ने दिया। ये हमने यहाँ गहरा नदी में श्रमदान किया है, कोई लोग सुन नहीं रहे हैं हमारी, कह रहे हैं कि तुमने नहीं किया है श्रमदान, नरेगा से काम हुआ है, घरार नदी को साफ किया था, इसलिए हम वहाँ जा रहे थे, मुख्यमंत्री के पास जा रहे थे, तो ये नहीं जाने दे रहे, धमकी देने लगे एसडीएम, सब लोग फिर आ गए, एसडीएम साहब आ गए। कब काम किया था? हमने 10 तारीख से किया था, 18 तारीख तक। नरेगा से अगर किया होगा तो उसमें जॉब कार्ड तो होंगे ना आपके पास, उसमें हाजिरी होगी? नहीं है, नहीं है, श्रमदान से किया हमने काम। यहाँ जब मैं आता था और ये सब इस तरह का काम कर रहे थे तो मैंने इनको प्रोत्साहित किया कि बहुत अच्छा काम है। और दूसरी बात एक ये थी कि चूँकि सरकार की भी ये मंशा थी कि स्किल मैपिंग की जाए, लोगों को रोज़गार से जोड़ा जाए, तो हमें लग रहा था कि अगर पानी की सुविधा हो जाती है और इन लोगों के पास में ज़मीनें हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं वो बटाई की ज़मीन लेकर के, तो सारे लोग खेती किसानी से जुड़ सकते थे। तो हमारा प्रयास ये था कि ये लोग कृषि कार्य से जुड़ें और जिनकी जिस चीज़ में स्किल है उसका बेहतर उपयोग हो, इसके लिए हमने इनको प्रोत्साहित करने का काम किया, प्रेरित करने का काम किया। अधिकारियों ने यह आश्वासन दिया है कि जिन लोगों ने श्रमदान किया है उनके सबके बयान लिए जाएंगे, एक जांच टीम गठित की जाएगी और 7 दिन के अंदर जांच करके सबको बताया जाएगा। और ये तय हुआ है कि 1 सप्ताह के अंदर अगर जांच नहीं होती है तो ये सारे लोग फिर से इसी तरह से पैदल जा करके और मुख्यमंत्री जी को अपना ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे पूरी कहानी बताएंगे। ना मुझे कोई लेना देना नहीं है इससे, आप आना आगे स्वयं पता करिए, यहाँ उसका एस्टीमेट बना है, ये वीडियो साहब से जानकारी करिए, वीडियो साहब आए थे यहाँ। आप जो बामन लोग जांच के दौरान उस बामन की सूची दे दीजिए, उन्हीं लोगों का स्टेटमेंट भी होगा, ऐसा नहीं है आप ये जान लो कोई चीज दूध का दूध पानी का पानी निकल करके आ जाएगा। आदमी अगर काम कर रहा है, श्रमदान करेगा पेमेंट नहीं होगा, मनरेगा से काम करेगा तो उसका पेमेंट होगा, बाकायदे पेमेंट का लेजर होता है और उसके अकाउंट में पैसा जाता है, निकासी का प्रमाण होता है, सबूत होता है, कोई कहीं छिपा नहीं सकता कोई चीज़, लेकिन वक्त को देना होगा। चूँकि टीम का गठन जिले स्तर से होगा उस पर हम नहीं कर पाएंगे कुछ, पर अगर कहीं आपको आपत्ति होगी, इतनी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, उसको बदलवा दूंगा मैं, रिक्वेस्ट करता हूँ। टीम जो होगी आप संतुष्ट, जिस टीम से आप संतुष्ट होंगे वही टीम जांच करेगी, पहली बात।
और दूसरी बात ये हुई जो आप कह रहे हो 52 लोगों का बयान, बिल्कुल 100% 52 आदमी लगते और आपकी उपस्थिति में 52 लोगों को उपस्थिति में जांच, और आप चाहते हो कि और कोई जानकार व्यक्ति रहे तो आप अपना पक्ष रखें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बस दिमाग साफ होना चाहिए। देखिए हमारा भी सबका क्लियर खंडा है, हमें कोई ऐसा मैं समझ रहा हूँ, मैं हमारे यहाँ गांव में आपने जो बात थोड़ी जाने है कि हमें लड़ाई का है। सुनिए ये तो जो है नहीं नहीं, आपने जो बात कही मुझे समझने में एक मिनट नहीं लगा, और उसका क्या सोल्यूशन है वो भी मुझे करीब करीब क्लियर हो गया। तो 100% मुझे विश्वास है, मुझे 100% विश्वास है कि आपके साथ न्याय होगा, जो आप लड़ाई लड़ रहे हो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। श्रमदान मामले में छावनी बने भावरपुर की स्टोरी आज देखिए और बने रहिए आगे के लिए हमारे साथ। हम कुछ ही दिनों में इस स्टोरी को एक बड़े स्तर पर करेंगे और इसकी तह तक जाकर सच्चाई जानेंगे। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।